हाई एवरी वन वेलकम बैक सो इफ यू नॉट वॉच द प्रीवियस दैट इज फर्स्ट लेक्चर ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड डोंट मूव टू दिस वन पहले जाके वो देखो फिर वापस आके ये देखो ठीक है सो इन दिस लेक्चर वी विल सी टर्म्स इन्वॉल्व इन कॉर्डिनेशन कंपाउंड अब टर्म्स सीखने से पहले ये तो सोचो कि कॉर्डिनेशन कंपाउंड होता क्या है उसका नाम कॉर्डिनेशन कंपाउंड या कॉर्डिनेटेड सॉल्ड और कॉम्प्लेक्स क्यों रखा है सो so, फ आई सी द कॉम्प्लेक्स ए जी एन एच थ्री टू आई सी एल ठीक है वी सी द एंटायर कंसेप्ट ठीक है आई हैव ए जी स्क्वेर डब्बे के अंदर एन एच थ्री टू आइज है फिर सी एल डब्बे के बाहर है अब इसमें सबका नाम करण है ठीक है सबको नाम देते हैं तो ए जी जो है उसका नाम क्या हो जाएगा ए जी इज सेंट्रल मेटल एटम ओके okay. अमोनिया जो है वो है लाइगैंड ठीक है अरे बाप रे बड़े-बड़े नाम आ रहे हैं यहाँ पे तो एंड क्लोरीन इज स्पेक्टेटर आयन अभी ऐसा लग रहा है कुछ सीआईडी का, का काम चल रहा है स्पेक्टेटर आयन है ना ओके नाउ व्हाट इज दिस एंड व्हाई आर दे नेम्ड एज़ सच ठीक है सेंट्रल मेटल एटम ठीक है सेंट्रल मेटल एटम क्या हो जाएगा इट फॉर्म्स अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड With this ligand, कौन सा बॉन्ड बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड रिवाइज कर ले कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है चलो एक बार रिवाइज कर लेते कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है सो so, समझो मेरे पास है एक A और एक बी ठीक है अब ए जो है उसके पास खाली ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं ठीक है so, समझो उसका फोर एस खाली है उस ए का फोर पी भी खाली पड़ा हुआ है सो व्हाट विल दैट डू दर्बाइटल्स आर एम टी अब बी जो है बी इज वेरी रिच पर्सनलिटी ठीक है बी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो हम बोल सकते हैं उसके पास कोई नेगेटिव चार्ज है विथ टू इलेक्ट्रॉन्स अब बी बोलेगा मुझे तो बॉन्ड बनाना है भाई आई एम वेरी रिच आई कैन फॉर्म अ बॉन्ड ठीक है अब बॉन्ड कैसे बनता है एक बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए येस वी नीड हेव मैनी इलेक्ट्रॉन्स टू इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अ बॉन्ड तो बी अपने दोनों ही इलेक्ट्रॉन को लेकर आएगा और बॉन्ड बनाएगा दूसरा भी, भी शायद आ जाए अपने दोनों इलेक्ट्रॉन के लेके और बॉन्ड बना देगा तो बेसिकली क्या हो रहा है इजीली समझे तो समझो मेरे पास है एट बी एच के का फ्लैट नोट मेरे पास ऐसा कोई फ्लैट नहीं है ओके सो फ्लैट और उसमें से मैं सिर्फ तीन यूज कर रही हूँ बाकी के पाँच खाली पड़े हुए तो मैं क्या देगी उसको मैं पेइंग गेस्ट को दे दूंगी मैं किसको दे दूंगी वो पेइंग गेस्ट की तरह दे दूंगी सो इफ देर आर कपल हु इज कमिंग नॉट अ सिंगल एंट्री इफ दे आर कपल हु इज कमिंग दे कैन कम एंड स्टे इन दैट रूम सो वैसे ही बी इज अ कपल विथ टू इलेक्ट्रॉन्स दे विल कम एंड फॉर्म अ बॉन्ड विथ ए ये जो बॉन्ड है स्पेशल टाइप का वेयर ओनली बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय और सिंगल एटम बोथ द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर तो ये हो गया तुम्हारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड ठीक है अब इसमें यहाँ पे बॉन्ड कैसा बनता है सो लेट्स अगेन इफ आई टेक मी रिज द स्पीच ओके इफ़ आई टेक वन ऑफ द कॉर्डिनेट कॉम्प्लेक्स समझो मैंने लिया के फोर एफ ई सी एन सिक्स ठीक है मैंने ये कॉम्प्लेक्स ले लिया अब यहाँ पर मेरे पास सेंट्रल मेटल आइटम कौन सा है येस करेक्ट माई सेंट्रल मेटल आइटम इज एफी ये जो है वो मेरा क्या है सेंट्रल मेटल आइटम लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एफ ई सो पोटेशियम इज ऑलवेज प्लस वन प्लस वन इंटू फोर प्लस एफ ई पता नहीं है तो उसको एक्स साइनाइड का चार्ज होता है माइनस वन ये कैसे पता पड़ेगा आगे जब हम सारे लाइगेंस पड़ेंगे तभी वो भी पढ़ेंगे तो साइनाइड हो जाएगा माइनस वन इंटू सिक्स इज इक्वल टू जीरो दिस गिव्स मी वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस टू वन कैलकुलेशन ऑफ दिस एल्जिब्रिक इक्वेशन वी गेट एक्स इज इक्वल टू प्लस टू मतलब एफ ई अभी प्लस टू में है इफ़ वी राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ एफ ई वी विल गेट यर 3d6 4s2 उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन क्या हो गया इनर हम लिख देते हैं एर्गन विथ 18 एंड आउटर मोस्ट हो गया थ्री डी एक्स फोर एस टू ना एफ ई इज़ इन इट्स प्लस टू स्टेट मतलब उसके दो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए ये चले गए सो ना एफ ई प्लस टू इज़ जस्ट आउटर मोस्ट एस थ्री डी सिक्स उसका फोर एस खाली पड़ा हुआ है उसका फोर पी खाली पड़ा हुआ है फोर डी का फ्लैट भी खाली पड़ा हुआ है तो इस जगह पे कौन आएगा इलेक्ट्रॉन रिच पर्सन ठीक है कौन है इलेक्ट्रॉन रिच लाइगैंड्स ठीक है व्हाट डू इलेक्ट्रॉन रिच पीपल आर कॉल्ड एज दे आर कॉल्ड एज लाइगैंड्स हु आर डोनेटिंग और शेयरिंग देयर टू इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे कौन हो गए लाइगैंड्स अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर आया ठीक है सो ये जो एक साइनाइड है वो अपना दो इलेक्ट्रॉन लाया दूसरा साइनाइड है वो अपना दो इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन ऑल सिक्स लाइगैंड्स केम एंड डोनेटेड एंडेड इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे कैसा हुआ एफ के पास छह साइनाइड ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स दो देके बॉन्ड बना लिया सो दिस इज हाउ ऑल सिक्स साइनाइड केम एंड फॉर्म्ड अ कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड विथ एफ सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स इसीलिए बिकॉज इट इज फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन फर्स्ट सेंट्रल मेटल आइटम तो यहां पर मेरा सेंट्रल मेटल आइटम कौन है ये सिल्वर इज माई सेंट्रल मेटल आइटम अभी जो सेंट्रल मेटल आटम होता है या आयर्न होता है जो भी वो जनरली कौन से ब्लॉक में होता है इट इज़ जनरली फ्रॉम डी ब्लॉक क्योंकि डी के पास बहुत एक्स्ट्रा जगह खाली पड़ी हुई है सो मेजरली नॉट आई एम से ऑलवेज मेजरली सेंट्रल मेटल आइटम डी ब्लॉक से होता है नेक्स्ट इज लाइगैंड्स लाइगैंड इसमें कौन सा हो गया तो स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर कौन है मेरा अमोनिया तो इस केस में लाइगेंड कौन है अमोनिया अब लाइगेंड का दूसरा नाम क्या है एक तो याद रहता नहीं है पर फिर भी हमारे पास दो नाम याद रखने है तो लाइगन का दूसरा नाम होता है लुइस बेस बेस क्या करता है लूइस बेस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन एसिड विल एक्सेप्ट लुइस बेस डोनेट सो इट इज डोनेटिंग अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और द इलेक्ट्रॉन विच इज विथ नेगेटिव चार्ज इसलिए इसको बोलते हैं लुइस बेस लेट्स सी द नेक्स्ट टर्म नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक स्क्वायर डब्बे के अंदर ठीक है विद दैट स्क्वेर ब्रैकेट एक स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर कितने लाइगेंस हैं उसको हम बोलेंगे वट डू वी कॉल दैट एज वी कॉल दैट एज कॉर्डिनेशन नंबर ओके सो इफ यू सी इस स्क्र ब्रैकेट के अंदर कितने लाइगेंस है मेरे पास दो लाइगेंस है सो कॉर्डिनेशन नंबर इन दिस केस विल बी टू इफ आई से फोर एफ सिक्स इसके अंदर कितने लाइगेंस है यस yes, छह तो कॉर्डिनेशन नंबर क्या हो गया six the number of ligands present in that sphere, in that square डब्बा, is called as coordination number. So, the number of ligand donor atom to which the metal is directly bonded with a coordinate bond is called as coordination number. अब यहाँ पे याद क्या रखना है, coordination number सिर्फ sigma bond वाले को गिना जाएगा. अगर कोई ligand pi bond बना रहा है, ठीक है, अगर कोई pi bond बना रहा है, तो वो coordination number में count नहीं होता है. ओके नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन स्प्योर कोऑर्डिनेशन स्प्योर मतलब क्या हो जाएगा ये जो हम डब्बा 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 बोल रहे हैं ठीक है दिस कोऑर्डिनेशन स्पीयर इज नथिंग बट डब्बा ये स्क्वेयर ब्रैकेट है उसको टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे कोऑर्डिनेशन स्पीयर नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन अब पॉलीहेड्रोल मतलब क्या हो जाएगा द स्पेशल अरेंजमेंट मतलब द थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ लाइगेंड एंड विच आर अटैच टू सेंट्रल मेटल एटम्स डिफाइंस द कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन अबाउट द सेंट्रल मेटल आइटम मतलब अगर सेंट्रल मेटल आइटम को दो लाइगेंड अटैच है तो उसका जोमेट्री क्या हो जाएगा उसका जोमेट्री हो जाएगा लीनियर सिमिलरली इफ आई हैव मोर नंबर ऑफ लाइगेंड जैसे कि मेरे पास है चार लाइगेंड देन इट कैन हैव अ जोमेट्री ऑफ टेट्राहेड्रल और इफ़ इट इज़ हैविंग फोर लाइग एंड इट कुड बी ऑल्सो ए स्क्र प्लेनार ठीक है दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आगे के पार्ट ऑफ द चैप्टर में वी विल सी कि अगर चार लाइग एंड है तो स्क्वेयर प्लेनर होता है या फिर टेट्राहेड्रल होता है इफ इट इज़ हैविंग फाइव लाइग एंड इट इज कॉल्ड एस ट्राइगोनल बाई पेरामिडल जोमेट्री ठीक है नेक्स्ट इफ इट इज़ हैविंग सिक्स लाइग एंड देन इट इज कॉल्ड एज जोमेट्री सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कैसे कैलकुलेट करते हैं सेम जैसे आप रेडॉक्स में कैलकुलेट करते हैं वैसे ही करना है यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेशन तो यहाँ देखो सिल्वर का अगर मुझे ढूंढना है तो मैं उसको ले लूँगी एक्स अमोनिया का चार्ज होता है जीरो और क्लोरिन का होता है माइनस वन ये पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था क्योंकि हम जनरली इसको कैसे लिखेंगे ए जी एन एच थ्री टू एंड सी एल तो ये पूरे मॉलिक्यूल में आजू बाजू कोई चार्ज नहीं इसलिए हमने इक्वल टू क्या ले लिया जीरो दैट गिव्स मी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए जी एस प्लस वन सिमिलरली अगर दूसरे एग्जाम्पल को देखें पोटेशियम विल बी प्लस फोर एफ ई विल बी एक्स साइनाइड विल बी माइनस वन इंटू सिक्स क्योंकि एक साइनाइड का चार्ज होता है माइनस वन दैट गिव्स मी एक्स वैल्यू एस प्लस टू ठीक है लास्टली इफ यू फाइंड फॉर प्लेटिनम plus 2 from potassium plus x, chlorine 1 charge minus 1, that is 4 will be minus 1 into 4 on solving this algebraic equation x will be plus 2. So, if you see here oxidation number of central metal atom has to be positive. So, this was certain terms involved with respect to oxidation number central metal atom ligands Coordination entity, coordination polyhedron, and coordination number. Quickly revise it and learn this before we switch to the next video. And do not forget if you have liked this video, do like it, share it, and subscribe it. Thank you.